अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए चिकन चंगेजी। तो पहले चिकन तैयार कर लेते हैं, फिर हम इसकी ग्रेवी की तरफ चलेंगे। तो चिकन के लिए हमने ले लिया है यहाँ पे 1 कप दही, लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 टेबलस्पून है जो हम ग्रेवी में भी यूज़ करेंगे और चिकन में भी, 1 टेबलस्पून सूखी मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक है, 2 टेबलस्पून लेमन जूस है। तो चिकन में डाल देते हैं नमक, मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और लेमन जूस ऐड करेंगे और साथ ही इसमें दही ऐड कर देते हैं। चिकन में सब मिक्स कर दिया है, 1 घंटा इसे कवर करके रख देंगे जी। तो इसकी ग्रेवी के लिए यहाँ 3 टमाटर का पेस्ट बना लिया है मैंने, 2 बड़े साइज के प्याज कट कर लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, 1/2 कप दूध ले लिया है। इसके साथ हम क्रीम ऐड करेंगे, मैं पैकेट वाली यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। काजू हम रोस्ट करेंगे और काजू का पेस्ट बना लेंगे, आपके टेस्ट पर है आप कितना काजू ऐड करना चाहते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने कसूरी मेथी ले ली है, इसे मैंने रोस्ट कर लिया और हाथों से क्रश कर लिया है इसे। 1/2 टेबलस्पून सूखी मिर्च है क्योंकि चिकन में भी हमने काफ़ी सारी मिर्च डाली है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर 1/1 टीस्पून है, 1 टीस्पून चाट मसाला, बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले प्याज को फ्राई कर लेते हैं। हाँ, इस पे बहुत अच्छा कलर आना शुरू हो गया है प्याज पे, लेकिन हमें डार्क गोल्डन चाहिए जी, बस यही कलर हमें चाहिए। मैं इसे निकाल लेती हूँ प्याज को, ये काफ़ी अच्छा कलर हो गया है इसका, इसे निकाल लेते हैं। प्याज हमने निकाल लिए हैं और इसी में मैं डाल रही हूँ काजू। काजू का भी कलर काफ़ी अच्छा हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं। इसी में हम चिकन को फ्राई कर रहे हैं। अब इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसको, ये दोनों साइड से अच्छा कलर आ गया है, इसे निकाल लेते हैं। यहाँ दूसरे पैन में हमने ऑयल डाला है और इसमें डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अब इस पे ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट, साथ डालेंगे सब मसाले। और अब इसमें ऐड करेंगे प्याज और काजू का पेस्ट जो हमने फ्राई करके बना के रखा है, ये पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे भी इसके साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे चिकन, चिकन को हमने फ्राई किया है लेकिन अभी भी इसका पकना बाकी है। अब इस पे मैं डाल रही हूँ दूध, 1/2 कप दूध डाल देंगे। और अब इसमें ऐड करते हैं बचा हुआ दही जिसमें हमने चिकन को रखा था, इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। ग्रेवी आप अपनी पसंद से रख सकते हैं। अब इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं। तो चिकन रेडी है, हमने इसमें क्रीम मिक्स कर दी है और अब इसे करते हैं डिश आउट। जी फ्रेंड, तो हमारा चिकन चंगेजी बिल्कुल रेडी है और देखें बहुत झटपट बन जाता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही साइमा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।